हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया के अर्ली रेलवे ब्रिजेस एंड मेजर रेलवे ब्रिजेस के बारे में। इसके बाद हम लोग पंबन सी रेलवे ब्रिज को डिस्कस करेंगे जो समुद्र के ऊपर बनी है। साथ में हम लोग इंडिया की कुछ इम्पॉर्टेंट रेलवे टनल्स के बारे में जानेंगे। ये सभी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर DFCCIL एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सो इन सभी टॉपिक्स को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा। एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक को कवर करेंगे और आप लोग इसके नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दिए हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, अर्ली रेलवे ब्रिजेस। अर्ली रेलवे ब्रिजेस में हम लोग जानेंगे डापोरी वायाडक्ट के बारे में, जुबली ब्रिज के बारे में एंड रतलाम ब्रिज के बारे में जो माही रिवर पर बनी है। तो चलिए पहले टॉपिक को लेते हैं, फर्स्ट रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया। फर्स्ट रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया हमारी दापोरी वायाडक्ट है। ये दापोरी वायाडक्ट जो है ये बॉम्बे में उल्लास रिवर के ऊपर बनी है एंड जो हमारी CSMT से थाने की लाइन थी उस लाइन को एक्सटेंड करने के लिए ही इस ब्रिज को बनाया गया था। उसके बाद इस लाइन को कल्याण जंक्शन तक एक्सटेंड कर दिया गया था। सो दापोरी वायाडक्ट ब्रिज के बाद उल्लास रिवर के ऊपर, दापोरी वायाडक्ट ब्रिज के बाद हमारी जो CSMT से थाने की लाइन है ये हमारी कल्याण जंक्शन तक बॉम्बे में एक्सटेंड हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी जुबली ब्रिज के बारे में। सो जुबली ब्रिज इंडिया में 1887 में बनी थी और इस ब्रिज का नाम जुबली ब्रिज इसलिए रखा गया है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया का जो 50th बर्थडे था, जो जुबली बर्थडे था, उन्हीं के उस बर्थ एनिवर्सरी के नाम पे 1887 में जुबली ब्रिज जब कंप्लीट हुआ था तो इसका नाम जुबली ब्रिज रखा गया है। इस फैक्ट को ध्यान रखिए। एंड जुबली ब्रिज हमारी हुगली रिवर के ऊपर बनी है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि हुगली एंड जुबली एक तरीके से रिलेटेड टर्म्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। सो जुबली ब्रिज हमारी हुगली रिवर के ऊपर बनी है एंड जुबली ब्रिज को अब डीकमीशन कर दिया गया है। अब इसके पैरेलल एक नई ब्रिज बन चुकी है जिसका नाम है संप्रीति सेतु। 2016 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, संप्रीति सेतु का। एंड जो हमारी जुबली ब्रिज जो 1887 में बनी थी ये कम्प्लीटली डीकमीशन कर दी गई है, अब इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो ये सारे फैक्ट्स को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंड जुबली ब्रिज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि संप्रीति सेतु इसके पैरेलल बना दिया गया 2016 में, जो कि इस ओल्ड ब्रिज का नया वर्जन है और इसको न्यू जुबली ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट रेलवे ब्रिज है हमारी भैरवगढ़ में माही रिवर के ऊपर बनी हुई रेलवे ब्रिज, जिसको 1890 में बनाया गया था। एंड ये रेलवे ब्रिज जो है वो स्टोन एंड स्टील दोनों से बनाई गई थी। जो हमारी पहले अर्ली रेलवे ब्रिजेस थी, जैसे कि हमारी दापोरी वायाडक्ट, ये सिर्फ स्टोन का बना हुआ है एंड जो जुबली ब्रिज है वो हमारी सिर्फ स्टील की बनाई गई है। बट जो हमारी भैरवगढ़ की ब्रिज है इसमें दोनों का इस्तेमाल हुआ है। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। एंड ये ब्रिज अभी भी ऑपरेशनल है, इसका यूज़ होता है। आई होप अर्ली रेलवे ब्रिजेस रिलेटेड सारी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, मेजर रेलवे ब्रिजेस ऑफ इंडिया, और देखते हैं इंडिया के कुछ मेजर रेलवे ब्रिजेस के बारे में। चलिए, तो मेजर रेलवे ब्रिज इन इंडिया में हम लोग बात करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट रेलवे ब्रिजेस के बारे में, चेनाब ब्रिज, बोगी बील ब्रिज एंड वेम्बनाड रेल ब्रिज। फर्स्ट ब्रिज है हमारी चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज जो है वो वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। इसकी जो हाइट है रिवर से वो विश्व में सबसे ज़्यादा है, 359 मीटर्स। जो डेक है जिस पे हमारी जो रेल गाड़ियाँ गुजरती हैं वो हमारे 359 मीटर्स ऊपर है, हमारी चेनाब रिवर जो इसके नीचे बहती है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस ब्रिज के बारे में याद रखना है वो है, इस ब्रिज को कोंकण रेलवे ने बनाया है
और जो हमारा जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन है, इसके एक्सटेंशन के वक्त ही चेनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था एंड 2017 में इस ब्रिज को कंप्लीट कर दिया गया है। बट इस ब्रिज में कुछ और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स बचे हैं जो दिसंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाएंगे। सो चेनाब ब्रिज से रिलेटेड ये सारी पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी ब्रिज है वो है बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज जो है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है एंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज भी है बोगीबील। रेल कम रोड ब्रिज क्या होता है, जिस ब्रिज पर रेलवे एंड रोड्स दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इट मीन्स रोडवेज एंड रेलवेज दोनों उस ब्रिज से गुजर सकती हैं, वो होती है हमारी रेल कम रोड ब्रिज। सो बोगीबील ब्रिज एक रेल कम रोड ब्रिज है एंड ये लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज भी हो जाती है एंड लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज ऑफ इंडिया भी हो जाती है। 2018 में ये ब्रिज कंप्लीट हुआ है, इसलिए 2018 के पहले तक ये ब्रिज लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज नहीं थी। उसके पहले हमारी वेम्बनाड रेलवे ब्रिज लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया होती थी, बट 2018 के बाद से 4.94 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है, इस लेंथ के बिल्डअप होने के बाद यही ब्रिज हमारी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है। बोगीबील ब्रिज एशिया में सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इस ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है वो एक प्राइवेट कंपनी ने किया है जिसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। जो हमारी चेनाब ब्रिज है उसका कंस्ट्रक्शन जैसे कोंकण रेलवे ने किया है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, बट बोगीबील का जो कंस्ट्रक्शन है वो एक प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है। ये सारी पॉइंट्स बोगीबील ब्रिज से रिलेटेड आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। एंड बोगीबील ब्रिज से रिलेटेड एक और जो लास्ट पॉइंट है वो है ये ब्रिज 120 ईयर्स के सर्विस पीरियड के लिए बनाई गई है और ये सारे मेजर अर्थक्वेक जो 7 रिचर स्केल तक होते हैं, 7 रिचर स्केल तक सारे मेजर अर्थक्वेक को ये ब्रिज झेल सकती है एंड ये ब्रिज जल्दी नहीं टूट सकती। इसलिए बोगीबील ब्रिज एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रिज भी है एंड इसको हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है। तो चलिए बोगीबील से रिलेटेड सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट ब्रिज पर, वेम्बनाड रेलवे ब्रिज। वेम्बनाड रेलवे ब्रिज के बारे में जैसे मैंने बताया कि बोगीबील ब्रिज बनने के पहले तक वेम्बनाड रेलवे ब्रिज ही इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज थी। वेम्बनाड रेलवे ब्रिज 2010 में कंप्लीट हुई थी, बट 2018 के बाद से वेम्बनाड रेलवे ब्रिज सेकेंड लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है अब इंडिया में। वेम्बनाड रेलवे ब्रिज जो है वो इंडिया के लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड से गुजरती है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, जो इंडिया के लॉन्गेस्ट लेक से गुजरती है, लॉन्गेस्ट लेक से गुजरने वाली वेम्बनाड रेलवे ब्रिज है। वेम्बनाड रेलवे ब्रिज का जो लेंथ है वो 4.62 किलोमीटर है, इट मीन्स बोगीबील ब्रिज जो है इससे सिर्फ 320 मीटर ज़्यादा लंबी है। बहुत लंबी नहीं है बट 320 मीटर ज़्यादा लंबी है, इसलिए बोगीबील ब्रिज जो है अब इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है। जो हमारी वेम्बनाड रेलवे ब्रिज है इसका जो बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस, ये जो RVNL चेन्नई, RVNL के बारे में मैंने बताया था अपने सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में, मैंने सब्सिडरीज को भी कवर किया है। सो RVNL के बारे में मैंने बताया था कि 2002 में इसको राष्ट्रीय रेल विकास के तौर पे इस कंपनी को बनाया गया था एंड ये जो कंपनी है वो इंडिया में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे से रिलेटेड है उनका काम करती है। सो वेम्बनाड रेलवे ब्रिज को RVNL मेंटेन करता है एंड इसका कंस्ट्रक्शन भी RVNL ने ही किया है। सो मेजर रेलवे ब्रिजेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, इन सभी पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए एंड इनको समझ लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे आए तो आपके एग्ज़ाम में आप बिल्कुल सही टिक मार के ही उसको आए। तो चलिए मेजर रेलवे ब्रिजेस से रिलेटेड सारी पॉइंट्स कवर हो गई, चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंबन सी रेलवे ब्रिज। चलिए तो नेक्स्ट हमारी जो ब्रिज है वो है पंबन सी रेल ब्रिज। पंबन सी रेल ब्रिज के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ये सिर्फ़ एक ऐसा इकलौता ब्रिज है जो रेलवे लाइंस को लेके सी के ऊपर से जाता है। इंडिया में कुछ और सी ब्रिजेस भी हैं, जैसे कि बांद्रा वर्ली सीलिंग मुंबई में है, वाशी जो हमारा थाने क्रीक है जो वाशी ब्रिज भी कहते हैं जिसको। सो ये सारी रेलवे ब्रिज रोड्स के लिए हैं, बट जो हमारी पंबन सी रेलवे ब्रिज है ये हमारी रेलवे लाइंस के लिए है। सो ये एकमात्र ऐसी सी ब्रिज है जो रेलवे लाइंस के लिए है। पंबन ब्रिज जो हमारी सबसे पहले बनाई गई थी इंडिया में, इसको 1914 में बनाया गया था और ये एक बेस्क्यूल ब्रिज थी। बेस्क्यूल ब्रिज क्या होता है? बेस्क्यूल ब्रिज एक ऐसी ब्रिज होती है जिसमें किसी ब्रिज को दो साइड से अपलिफ्ट किया जाता है। जैसे सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक बेस्क्यूल ब्रिज है, इसको अपलिफ्ट किया जाता है टू साइड्स बोथ एंड से। जो डेक का जो बोथ एंड है वहाँ से हम ब्रिज को अपलिफ्ट करते हैं और जो हमारी शिप्स हैं उसके नीचे से पास कर सकती हैं। इस एनिमेशन में आप लोग ये समझिए कि जो हमारा बेस्क्यूल ब्रिज है इसको ओपन होने एंड क्लोज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। हम अगर हाई स्पीड या टाइम सेविंग काम करना चाहते हैं एक ब्रिज से रिलेटेड, तो बेस्क्यूल ब्रिज को ओपन एंड क्लोज होने में ज़्यादा टाइम लगता है। बट जो हमारी थर्ड पिक्चर में वर्टिकल ब्रिज है, जो न्यू पंबन ब्रिज का एग्जांपल है, थर्ड एनिमेशन में आप देखिए कि जो हमारा वर्टिकल ब्रिज है ये ऊपर एंड नीचे जाने में एक बेस्क्यूल ब्रिज से कम टाइम रिलेटिवली लेता है। बहुत कम नहीं लेता है बट कुछ सेकंड्स का फ़र्क होता है इनके ऑपरेशन में। सो जो पंबन हमारा जो 1914 का जो हमारा ब्रिज है, पहला रेलवे ब्रिज जो एक बेस्क्यूल ब्रिज था, एंड ये इंडिया के जो मंडपम जो हमारा लास्ट पॉइंट है तमिलनाडु का, उसको रामेश्वरम के पंबन आइलैंड जो स्टार्टिंग पॉइंट है रामेश्वरम की उससे जोड़ती थी। ये ब्रिज टोटल जो लेंथ था इसका 2.065 किलोमीटर था। ये पूरा जो सी के ऊपर बनी हुई ब्रिज है 2.06 किलोमीटर, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल सी ब्रिज भी है एंड एक ही ऐसी सी ब्रिज है जो रेल लाइन को लेके जाती है। इसलिए लॉन्गेस्ट रेल सी ब्रिज अभी तक यही है, पंबन रेल सी ब्रिज। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंडिया में अब जो है इस ब्रिज को कई बार साइक्लोन से बहुत सारा डैमेज हुआ है, लेकिन दोबारा उसको ऑपरेशनल कर दिया गया था। बट ये ब्रिज अब बहुत ही कमज़ोर हो गया है, अब इसको डीकमीशन करना ज़रूरी है। सो अभी क्या है इंडिया में, इस बात को आप लोग एक तरीके से न्यू अपडेटेड फैक्ट्स की तरह याद रखिए कि जो हमारा न्यू पंबन रेलवे ब्रिज है ये हमारे ओल्ड पंबन रेलवे ब्रिज से भी ज़्यादा लंबी होगी। इसकी जो लेंथ है वो 2.07 किलोमीटर होगी एंड जो हमारी ओल्ड पंबन ब्रिज है 2.065, मतलब 5 मीटर, लगभग 5 मीटर का जो डिफरेंस है इन दो रेलवे ब्रिजेस में होने वाला है। इसके बाद जो है हमारी लॉन्गेस्ट सी रेलवे ब्रिज हो जाएगी न्यू पंबन ब्रिज। न्यू पंबन ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। थर्ड एनिमेशन में आप लोग को मैंने बताया कि वर्टिकल लिफ्ट जो होती है ब्रिज वो ऊपर पूरे डेक को लेके जाती है एंड जल्दी क्लोज हो जाती है। बट अगर बात करें कि एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज एंड बेस्क्यूल ब्रिज में क्या डिफरेंस है एंड इंडिया ने पहली बार फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज क्यों बनाई, सो जो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो होती है वो हमारी चीपर कॉस्ट की होती है। इसीलिए इस ब्रिज को बनाया गया है क्योंकि कई बार इस डेक को बार बार इसको डैमेज होता था एंड बार बार इसको बनाना पड़ता था। इसलिए जो नया रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें हमने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को चुना है जिससे कि हमारा जब भी डैमेज हो तो हम इसको ईजिली रिप्लेस कर सकें और इसका जो डैमेज है वो कभी भी डेक को ना हो। बल्कि बेस्क्यूल जो रेलवे ब्रिज थी, जो पहली रेलवे ब्रिज है, उसमें जब उस ब्रिज के बेस्क्यूल सेक्शन का
जो डैमेज है वो होता है साइक्लोन से, तो वो ब्रिज को भी डैमेज करती है, बट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कभी भी ब्रिज को डैमेज नहीं करती, और ये चीपर कॉस्ट की होती है, इसलिए फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को बनाया गया है। जो न्यू पंबन ब्रिज है ये अभी बनना सिर्फ स्टार्ट हुई है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जब ये बनेगी तब ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगी। सो ये एक फैक्ट है जो आपको पंबन ब्रिज से रिलेटेड बिल्कुल याद रखना है। चलिए एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि ये जो नई रेलवे ब्रिज है, न्यू पंबन रेलवे ब्रिज, इसका जो डेवलपमेंट है वो RVNL कर रहा है। जैसे कि अभी हमने लास्ट सेक्शन में देखा, RVNL हमारा जो हमारी वेम्बनाड रेलवे ब्रिज है जो लॉन्गेस्ट लेक पे है, उसका डेवलपमेंट भी RVNL चेन्नई ने किया है। सो जो न्यू पंबन ब्रिज है उसका डेवलपमेंट भी हमारा RVNL ही कर रहा है। इस बात को आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, एंड ये सारी पॉइंट्स आप लोग पंबन ब्रिज से रिलेटेड क्लियर होनी चाहिए। सो चलिए पंबन ब्रिज से रिलेटेड जो पॉइंट्स थी मैंने आपको बता दी हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग बिल्कुल समझ लीजिएगा, कोई भी पॉइंट आप लोग से छूटे ना, और इसके बाद आप लोग इनका नोट ज़रूर बनाया करिए, ताकि कोई भी पॉइंट आप अगर समझते हैं तो बाद में आप एग्ज़ाम के वक्त उसको रिवाइज भी कर सकें, या फिर आप मेरे PDF फॉलो करते रहिए। मेरे PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, सो आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो पंबन सी रेलवे ब्रिज से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इंडिया के इम्पॉर्टेंट रेलवे टनल्स। चलिए इम्पॉर्टेंट रेलवे टनल्स इन इंडिया में हम लोग जानेंगे पारसिक टनल के बारे में, पीर पंजाल रेलवे टनल एंड संगल्दन रेलवे टनल। इन सभी तीन रेलवे टनल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तीनों रेलवे टनल्स इंडिया के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलवे टनल्स हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पारसिक टनल के बारे में। पारसिक टनल जो है ये इंडिया का फर्स्ट रेलवे टनल था, एंड इस टनल को 1916 में बनाया गया था। GIPR मतलब ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने इंडिया के फर्स्ट ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन किया है, जैसे हमने पीछे बात की दापुरी वायाडक्ट के बारे में। सो इंडिया का जो पहला रेलवे टनल है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी GIPR ने ही किया था 1916 में। ये जो हमारी टनल थी ये थाने को दीवा से जोड़ती थी, दीवा जंक्शन जो है उसको जोड़ने के लिए पारसिक टनल का कंस्ट्रक्शन हुआ था। एंड जो फर्स्ट ब्रिज थी दापुरी वायाडक्ट, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थाने लाइन को कल्याण जंक्शन तक एक्सटेंड करने के लिए हुआ था। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखिए और समझ लीजिएगा। पारसिक टनल जो है वो 1.317 किलोमीटर ये पारसिक हिल ऑफ थाने में मौजूद है। पारसिक हिल को तोड़ते हुए 1.317 किलोमीटर की टनल को बनाया गया है, एंड ये टनल इंडिया की फर्स्ट रेलवे टनल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी है वो पीर पंजाल रेलवे टनल के बारे में है। पीर पंजाल रेलवे टनल इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, एंड ये हमारा 11.215 किलोमीटर, मतलब ये टनल बहुत ही लंबा है। एंड इतना बड़ा टनल इंडिया में, ये बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट था जिसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी कंपनियों को लगाया गया था, उसके बाद पीर पंजाल रेलवे टनल को बनाया गया है। ये पीर पंजाल जो हमारा हिमालयन रेलवे का जो डिवीज़न है, जो हमारे इंडियन हिमालय है उसके कई डिवीज़न है, असम हिमालय, पीर पंजाल एंड पंजाब हिमालय, बहुत सारे उसके डिवीज़न हैं। सो पीर पंजाल हिमालय जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो क्वाजी गुंड को बनिहाल सेक्शन से जोड़ता था, जम्मू एंड कश्मीर में क्वाजी गुंड स्टेशन से बनिहाल स्टेशन, बनिहाल स्टेशन ये बारामूला रेलवे लाइन जो है, उधमपुर से बारामूला तक जो रेलवे लाइन बनाई जा रही थी उसी वक्त इस रेलवे टनल का कंस्ट्रक्शन हुआ है। सो पीर पंजाल रेलवे टनल के बारे में ये पॉइंट भी याद रखिएगा। साथ में मैंने अभी आपको पीछे बताया कि उधमपुर श्रीनगर जम्मू एंड बारामूला जो रेलवे लाइन है
इनके कंस्ट्रक्शन के वक्त हमारी जो चेनाब ब्रिज है उसको भी बनाया गया है। सो उस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को बिल्कुल आप लोग ध्यान से याद रखिए। चलते हैं लास्ट पॉइंट जो हमारी है टनल के बारे में। सो संगल्दन रेलवे टनल जो है वो इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। संगल्दन रेलवे टनल इस वक्त जो है वो 7.1 किलोमीटर का है एंड ये भी कटरा बनिहाल जो जम्मू एंड कश्मीर में है ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। जब तक पीर पंजाल रेलवे टनल नहीं बना था तब तक संगल्दन रेलवे टनल ही इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे टनल था। सो संगल्दन को 2010 में बनाया गया था एंड इसको कोंकण रेलवे ने बनाया है। कोंकण रेलवे के बारे में अभी मैंने आपको एक और फैक्ट बताया था कि कोंकण रेलवे जो है हमारा उसी ने हमारे जो हमारा चेनाब ब्रिज है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कोंकण रेलवे ने ही किया है। सो उसी तरह जो हमारा संगल्दन रेलवे था जो कटरा एंड बनिहाल के बीच में है इसका कंस्ट्रक्शन भी इंडियन रेलवे की ही जो सब्सिडरी है कोंकण रेलवे उसी ने किया है 2010 में। सो रेलवे टनल से रिलेटेड ये सारे पॉइंट जो हैं वो तीन पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, इनके बारे में मैंने आपको बताया। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखें एंड इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ के याद रखिएगा ताकि आपको सारी पॉइंट्स क्लियर रहें किस कंपनी ने किस किस का कंस्ट्रक्शन किया है एंड जो जो हमारे टनल्स हैं वो किस किस लाइन के वक्त बनाए गए हैं, किस टनल से किस लाइन का एक्सटेंशन हुआ है। सो चलिए आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।